नमस्कार। द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और आज हमारा चल रहा है 10th का थर्ड पार्ट फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर ये क्लियर करा जाएगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। और मेन चीज यही होती है कि बैलेंस को इक्वेशन कैसे करें, 3 नंबर का क्वेश्चन ये फ्री में फंसता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है। तो अ केमिकल इक्वेशन विच इज द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो कहने का मतलब ये है आपका कि अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम नंबर इक्वल है तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है और 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल 10th क्लास में कहीं पे कॉन्सेप्ट लिखने के लिए नहीं आता, पर आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास स्टेट द मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय। तो इसको एक कंजर्वेटिव जो है लॉ बोला जाता है, जिसके अनुसार ना तो किसी मैटर के एटम को या मास को बढ़ाया जा सकता है, ना ही किसी भी मास को घटाया जा सकता है। ये ऑलवेज आर इक्वल, ये हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी आपको क्या इक्वल करना है, मास नंबर इक्वल करना है, एटम नंबर इक्वल करना है। क्लियर? तो अगर ऐसा होता है, द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द ईच एलिमेंट इज द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, तो इज कॉल्ड केमिकल बैलेंस इक्वेशन। तो उसी को क्या बोला जाता है आपका, केमिकल बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है। तो जब केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं हम, तो उसमें आपको सबसे पहले इक्वेशन को पढ़ के उसे सिंबल में बदलना है। जब वो सिंबल में बदल जाती है तब उसके एटम नंबर को इक्वल किया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम कुछ। तो कैसे पता लगे कि बैलेंस है इक्वेशन या नहीं है, तो इसका मैं एक एग्जांपल लिया है। यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी है, सबसे पहले ये पता करना है ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो जब तक ये बैलेंस नहीं है तो इसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो ये स्केलेटल है या नहीं कैसे पता, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी है जिसमें एलिमेंट लेने हैं, नंबर ऑफ एटम लेने हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले देखो एलिमेंट क्या क्या है। तो हमारे पास है यहाँ CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमें देखना है C के साथ क्या नंबर है। यहाँ कोई नंबर नहीं है C के साथ, तो यानी यहाँ पे 1 है। अगर खाली C भी रखा है तो वो 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या नंबर है आपका 4, ऑक्सीजन के साथ क्या नंबर है आपका 2। क्लियर? अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, कार्बन के साथ क्या नंबर है 1, हाइड्रोजन के साथ क्या नंबर है 2, पर ऑक्सीजन के साथ क्या नंबर है 3। भाई 2 यहां पर है और 1 यहां पर है तो 3 है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये क्या है आपकी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इसे बैलेंस करना है, तो इसे बैलेंस कैसे करें? तो हमारे पास था CH4 प्लस O2 और ये है CO2 प्लस H2O। तो हमें दिख रहा है कि एच के साथ यहां 2 लगा हुआ है, यहां एच के साथ 4 लगा हुआ है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, एच के साथ 4 है, यहां एच के साथ 2 है। तो सबसे पहले यहाँ 2 लगा दो। जब यहाँ 2 लगाओगे ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पर इसका असर पीछे वाले में ही पड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 4। तो यानी इसके आगे 2 लगा दो तो ये कितना हो जाएगा 4। देखो हो गई बैलेंस। यानी इक्वेशन क्या बनी, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। ये जो इक्वेशन बनी इसी को बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ आया स्टेप? सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है, रिएक्शन लिख के देखना है टेबल बना के कि वो बैलेंस है या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड एटम लेने हैं, राइट हैंड साइड एटम लेने हैं। फिर उसके बाद ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर किसके साथ आ रहा है, जिसके साथ भी मैक्सिमम आ रहा है उसके अनुसार दूसरे को चेंज करना है और आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, Fe प्लस H2SO4 और Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2। तो ये बैलेंस है या नहीं सबसे पहले पता करते हैं। एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो बताइए सबसे पहले यहां पे क्या है, Fe क्या है, आयरन, हाइड्रोजन, ठीक है, SO, ये एक साथ, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, तो हमें ये दिखाई दे रहा है या SO के साथ में 3 लगा हुआ है, यानी 4 × 3 है ये, है ना। अच्छा 4 × 3, तो इसके साथ ये थ्राइज होना चाहिए था पूरा, ये तो 4 है, तो यहाँ पे क्या लगा दो 3 लगा दो। जब यहाँ 3 लगाओगे तो ये कितना हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, ठीक है, और ये पूरा बैठ गया, यानी ये भी 3 हो गया, ये पूरे का होल थ्राइज 3 हो गया जो हमें बनाना था। ठीक है, अच्छा अब हाइड्रोजन कितना चाहिए 6,
तो यहाँ पे क्या कर दो, 3 लगा दो, हाइड्रोजन हो गया 6, Fe कितना चाहिए हमें 2, इसके आगे 2 लगा दो, हो गया क्लियर, तो बैलेंस हो गई। तो मैंने तो बिना टेबल के ही बैलेंस कर दी, तो जरूरी नहीं कि टेबल बनाई जाए, टेबल को दिमाग में रख के भी ये बताया जा सकता है कि बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। जैसे अगर बिना बैलेंस के हम देखते तो वहां पे Fe1 था, ठीक है, H जो है वो 2 था और SO जो था वो 4 था, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास Fe कितना था, 2 था, SO कितना था, 4 × 3 था, ठीक है, 4 × 3 यानी 4 × 3 में गुना, ठीक है, और ये हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन हमारे पास 3 था, सॉरी 2 था, तो ये कैसा था, अनबैलेंस, ठीक है, पहले से पता लग रहा है अनबैलेंस था, तो हमने से क्या बना लिया आप बैलेंस, तो बैलेंस करके इक्वेशन क्या बनी, 2 है Fe प्लस 3 H2 SO 4, ठीक है, प्लस और Fe 2 SO 4 थ्राइस प्लस 3 H2, ओनली बैलेंस, क्लियर। इसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिया एक्स्ट्रा समझने के लिए आपके, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे C है, S8 है और यहाँ लिखा है CH2, ठीक है, तो यहाँ तो S8 है, यहाँ तो H2 है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैं अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो S कितना हो जाएगा 8, C कितना हो जाएगा 4, तो यानी 4 लगा दो, हो गया बैलेंस, क्लियर। अगली क्वेश्चन देखो, ये Na है, ये O2 है, ये Na2O है, तो Na के साथ क्या दिख रहा है आपको, 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, और हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, तो अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो ये तो मिस्टेक हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो 2 × 2 = 4 हो रहा है, तो इसके आगे 4 लगा दो आप, हो गया बैलेंस, क्लियर। कि अगर आपने कोई नंबर लिखा और उसकी वजह से वो इक्वल नहीं बैठ रहा तो आप उसे दोबारा मल्टीप्लाई करके लगा सकते हो, ओके। अच्छा अगले पे देखो क्या बन रहा है, मुझे दिख रहा है Br है, यहाँ पे Br है पर इसके साथ 3 लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ लगा दो 3, क्लियर, तो H कितना हो जाएगा 3, Br कितना हो जाएगा 3। अब एल्यूमिनियम सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात है ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके पास 3, है ना, ऑक्सीजन कितना है आपके पास 3, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है आपके पास, हाइड्रोजन भी 3 है, बट टोटल हाइड्रोजन कितना है, 3 ये रहा और 3 ये रहा, कितना हो गया 6, ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, भाई ऑक्सीजन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 3, तो हाइड्रोजन 3 तो यहाँ पर थे और 3 यहाँ पर है, तो हो गए 6, तो मुझे हाइड्रोजन कितना चाहिए 6, तो यहाँ क्या लगा दूँ 3, हो गया 6, हो गया 3, देखो ऑक्सीजन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 6, हो गई बैलेंस, क्लियर। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, NH3 है, CHCl है और NH4Cl है, तो मुझे इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि NH3 और एक हाइड्रोजन ये रहा, तो यानी H4 हो गया, कह सकते हैं ना H4 हो गया भाई, 3 ये रहा और एक ये रहा, Cl एक है, Cl एक है, तो ये ऑलरेडी क्या है बैलेंस, क्लियर, समझ आ गई बात, तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। सारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।